नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूँ हिमाग्नि मोजा और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ देश प्रदेश और विदेश की 15 बड़ी सुर्खियों के साथ। सबसे पहले बात करें प्रदेश की, तो अब कठुआ और उधमपुर में भी रुकेंगी वंदे भारत ट्रेनें। टिकटों के आधार पर स्टॉपेज होगा नियमित। बलिदान और प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम से जाने जाएंगे 33 शैक्षणिक संस्थानें और सड़कें। कठुआ में बई नाला के पास मिली विस्फोटक सामग्री, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे। वहीं अब बात करें प्रदेश की मौसम की, तो जम्मू सांबा में हुई रिमझिम बूंदाबांदी, गुलमर्ग में पड़ी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में 50 साल में पांचवी बार दिखा इतना लंबा सूखे का दौर, अल नीनो इफेक्ट से बड़ा ड्राई स्पेल। बात करें अब देश की खबर की, तो आज से होगा संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। मणिपुर राज्य में नहीं थम रही हिंसा, गोलीबारी में 2 की मौत, 5 घायल और कई लापता। असम में 1.32 करोड़ के सोने के बिस्किट किए गए जब्त। केरल में हवाई अड्डे पर यात्री के बैग में मिले चांदी के चम्मच। बात करें अब मौसम की खबर की, बात करें अगर खेल जगत की, तो जीशान अली होंगे भारतीय टीम के गैर खिलाड़ी कप्तान। डेविस कप में पाकिस्तान से है मुकाबला। अक्षदीप ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। सूरज ने ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। डेविस कप में भारतीय टीम के ऐतिहासिक दौरे से पाकिस्तान में खेलों का होगा बेड़ा पार। बात करें अगर अब मौसम की खबर की, तो IMD ने कोहरा, बारिश और बर्फबारी को लेकर जारी किया अलर्ट। ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली NCR में घने कोहरे में थमी वाहनों की रफ्तार। ट्रेनें हो रही हैं लेट, फ्लाइटें प्रभावित। दिल्ली की ठंड ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड। बात करें अब अगर विदेश की खबर की, तो पांचवी बार प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेंगे पुतिन। इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन मंजूर, विपक्ष की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया है, मार्च में होंगे चुनाव। और मेडिकल स्टाफ बनकर अस्पताल में घुसे इजरायली सैनिक, 3 हथियारबंद फिलिस्तीनियों की को किया ढेर, इजरायल ने की पुष्टि। इन्हीं बड़ी सुर्खियों के साथ मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट को दीजिए इजाजत। बने रहें द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।